पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ या प्रश्न संख्या 8 है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास का, यहाँ पर देखिए यह जो है काट लिया गया है, ये आपका है, ये आप देख सकते हैं कि यह है इसी व्यास वाला इस शंक्वाकार कैविटी काट लिया गया है, शंक्वाकार शंकु के आकार का है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक जो है क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो है यह जो है एक काट लिया गया है, क्या है, एक शंकु काट लिया गया है। इस शंकु की काटने के बाद जो शेष बचता है उसका हमको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ वक्र पृष्ठ अगर ज्ञात कर ले, ठीक है, वक्र पृष्ठ शंकु का ज्ञात कर ले, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाले सतह का सरफेस ज्ञात हो जाएगा, पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। और फिर ये जो लंबवृत्तीय बेलन है यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर ले, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर ले, और फिर ये दो बेस बचता है, ठीक है, इस बेस का ज्ञात कर ले, तीनों को ज्ञात कर ले, तो हमारा क्या संपूर्ण जितने ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्या निकल जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो देखिए यह होगा पाई आर एल, ठीक, यह होगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2πr एच। तीनों को जोड़ दें तो तीनों को जोड़ने पर क्या निकल जाएगा, तीनों को जोड़ने पर यह जो है हमारा इस बचे हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, माना बेलन की ऊंचाई यह है और वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास कितना है, 1.1, पूरा व्यास है कितना, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 1.4 का आधा करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, और काटे गए शंकु की ऊंचाई है यह कितना, यह अभी उतना ही है जितना बेलन की ऊंचाई है, 2.4, और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी तिरछी ऊंचाई यह ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि शंक्वाकार भाग का अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको जो है तिरछी ऊंचाई चाहिए, ठीक है, तिरछी ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई वहां देखते हैं, शंक्वाकार ये जो खोल है, खोल की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से, तो यल बराबर होता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसलिए इंप्लाई यल बराबर हो जाएगा रूट में कितना है, 0.8 है, 0.7 का स्क्वायर और प्लस 2.4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके हो जाएगा रूट में 0.49 और प्लस हो जाएगा 5.76, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट में 6.25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हमारा आईएल आ गया 2.5 सेंटीमीटर, यह हमारा तिरछी ऊंचाई हो गया। अब जो है शेष बने शंकु का पूरा जो है क्या ज्ञात कर लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA कहते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो CSA आप बेलनाकार भाग का CSA यह होता है आप जानते हैं कि 2πr एच, और प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंक्वाकार भाग है ये चारों तरफ से है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है कितना, पाई आर एल, और प्लस ये बेस है, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सब वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2×22/7 आगुण है आर का मान 0.7 आगुण है एच का मान 2.4 प्लस 22/7
और गुण है, आर का मान है 0.7 और एल का मान आया है 2.5 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 और गुणे 0.7 और गुणे 0.7। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा 0.1 बार में। ठीक है, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 48 में 22 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 22 दूना 44, 44 × 2.4 और प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 44 हो गया, 1 दशमलव यहाँ है तो यहाँ 0.5 लग जाएगा, तो 4.4 × 2.4 प्लस 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार में। ठीक, अभी हो जाएगा 22 यानी कि 2.2 और गुणे 2.5 और प्लस 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार में, तो हो गया 2.2 और गुणे 0.7। जब ये गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा आपका, गुणा करके देख लीजिएगा, यह जाएगा 2.56 और प्लस 5.50 और प्लस ये हो जाएगा आपका 1.54, 7 × 6 = 1.54। ये टोटल जोड़ देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 17.60, आ गया 17.60 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये इस जो है बची हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। यहाँ पर देखिए ये बची हुई आकृति कुछ इस तरह से होगी, हम आपका एक और फिगर बनाकर दिखा दे रहे हैं, ऐसे है। ठीक है, ऐसे ये बच रहा है, एक तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे जो कितना होगा 2πr, जो कि बेलनाकार भाग का किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का CSA का फार्मूला है। फिर ये जो है सर्कुलर बेस है, इसका कितना हो जाएगा πr² ठीक, और ये जो शंकु बचता है, ये शंकु जो बच रहा है यहाँ पर देखेंगे, ये शंकु जो बच रहा है, ठीक है, इसका जो है हम अगर पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना πr। यही तीनों को हमको क्या करना है, जोड़ना, यही यहाँ पर जोड़ा गया है, तो कितना आंसर आया है 17.65 cm², ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न संख्या 9, कि लकड़ी के एक ठोस बेलन बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा की आकृति 13.1 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक आकृति है, यहाँ देख सकते हैं कि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यह हो गया बेलन की ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। आइए जो अर्ध गोला काटा गया है, यहाँ देखिए ये जो अर्ध गोला काटा गया है यह आपका क्या है, अर्ध गोला है, तो इस अर्ध गोले को भी देखेंगे तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये गड्ढा है, ठीक है, ये गड्ढा खोदा गया है जो कि कैसा है, ये गड्ढा जो है अर्धगोलीय है, ठीक, दोनों तरफ है, तो इस अर्धगोला एक का और इस अर्धगोला एक दो का, ये दोनों का क्या करें, दोनों का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लें और फिर इस बेलनाकार भाग है जो बेलन का हम क्या ज्ञात कर लें, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का CSA या वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr h और अर्धगोले का कितना होता है 2πr² वक्र पृष्ठ होता है अर्ध गोला का, हेमी स्पीयर का, ठीक, तो 2πr² और 2πr² 4πr² हो जाएगा और इनको जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें दी हुई है, अब देखते हैं कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल यानी कि TSA जो हो जाएगा वह हो जाएगा बेलन बेलनाकार भाग का
सीएसए, सीएसए का मतलब वक्र पृष्ठ, और प्लस 2 × 8 गोलीय भाग का सीएसए, सीएसए यानी कि वक्र पृष्ठ। ये देखिए यहां हमारा जो हो जाएगा ये बेलनाकार भाग का हो जाएगा 2πr h, और प्लस अर्ध गोलीय भाग का हो जाएगा 2 × 2πr² है, ठीक है। ये हमारा हो गया 2πr h, और प्लस हो जाएगा 4πr² वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2π और गुणे r का मान कितना है, 2π रहने देते हैं अभी, 2π और r का मान है आपका, r का मान है यहाँ देखिए 3.5, और गुणे h का मान कितना है 10, और प्लस 4π और गुणे r² का मान 3.5 × 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 35 × 70, यानी कि ये 70π हो गया, और ये हो जाएगा 35 का 35 में गुणा कीजिए, 35 का 35 में फिर 4 का गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना 49π। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 119π, ठीक है, 119π। और वैल्यू रख दें तो 119 और गुणे 22/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7×7 = 49, ये हमारा आ जाएगा 17×22, ये 7 से काटेंगे तो 7×7 = 17 हो गया, 17×22, 17 में 22 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर² ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर कैसे निकला है, तो ये जो वक्र पृष्ठ है हमारा, इस वक्र पृष्ठ का क्या निकाले हैं, सॉरी ये जो बेलनाकार भाग है इसका वक्र पृष्ठ निकाले हैं, और फिर देखिए 2 गोला बन रहा है, यहाँ देखेंगे तो एक ऐसे अर्धगोला बन रहा है, ठीक है, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और एक नीचे अर्धगोला बन रहा है, ठीक है, इस अर्धगोले का पृष्ठ, तो ये 2πr² हो गया और ये 2πr² हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा जो आपको दिख रहा है ए और ए। तो आइए मिलते हैं अगले प्रश्नावली, प्रश्नावली 13.2 की अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक विदा दीजिए, जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, यदि वीडियो नहीं भी पसंद आता है तो भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं और आपके जैसे पढ़ने वाले अन्य भाई बहनों को कुछ सहयोग मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने के लिए तथा चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, जय हिंद।